कर लिया है। इसे मैंने धोकर अच्छे से सुखाकर फिर इसे कट किया है। और ये चार मैंने प्याज के ऐसे पीसेस में से डाइसेस में काट लिए और इन दोनों को अब हम शैलो फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है, इसमें हम भिंडी डालकर इसे शैलो फ्राई करेंगे। बचे हुए ऑयल में हम अनियन भी फ्राई कर लेंगे। अनियन भी थोड़े से फ्राई हो गए, इसे निकाल लेते हैं। इसे हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है। तड़के के लिए मैंने दो कटे हुए प्याज ले लिए, बारीक बारीक काट लिए है। थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ ली हैं, एक अदरक का टुकड़ा लिया है, लाल मिर्च सूखी हुई ली है, दो हरी मिर्च ली है और 3 टमाटर लिए हैं। अब हम मिक्सर में टमाटर डाल देंगे और इसकी प्यूरी बना लेंगे। इसमें अदरक भी ऐड कर देंगे, 2 मिर्ची भी इसमें डाल देंगे की गलियां भी इसमें डालकर इन सबको मिक्स करके इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये हमारी टमाटर अदरक लहसुन की प्यूरी रेडी हो गई है। अदरक लहसुन हमने टमाटो में इसीलिए बीट किया है क्योंकि जब हम इसे बाद में डालते हैं तड़के में तो उसकी स्मेल और भी ज्यादा उठती है और उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे गर्म कर लिया है। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर देती हूँ और साथ में 3 मिर्ची सूखी। जीरा और लाल मिर्च थोड़ी सी भून चुकी है, अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब प्याज को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे पका लेंगे। टमाटर अदरक लहसुन की प्यूरी डाल दें। इसमें हम थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करूँगी, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हम इसमें देगी मिर्च ऐड कर देंगे, इससे इसका कलर अच्छा आएगा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमें तब तक पकाना है जब तक मसाले में से तेल निकलना ना स्टार्ट हो जाए और टमाटर अच्छे से भून ना जाए। अच्छे से भून चुका है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करना है क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए इसकी। मसाला अच्छे से पक चुका है, अब हम इसमें प्याज और भिंडी ऐड कर देंगे। इसे मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाथ से ऐसे करके इसमें डाल देंगे और एक छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे। अभी हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनकर एकदम रेडी है। गैस को बंद करके इसे सर्व करने के लिए निकाल देंगे। अभी हमारी भिंडी दो प्याज़ा बनकर एकदम रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।